हेलो एंड वेलकम एमएस सर की पाठशाला में आपका स्वागत है। हो चुका आगाज, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष जारी है। सर, क्लास एट का प्रश्नावली 2.5 क्वेश्चन नंबर 3 का मान ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन बनता है मान ज्ञात कीजिए। वर्गमूल निकालने के तरीके में से अभी भाग विधि का तरीका चल रहा था, यहाँ भी वर्गमूल ही समझिए। इसका वर्गमूल निकालना, अंडर रूट को वर्गमूल बोलते हैं, सॉल्व करना है। तो कई तरीके हैं सॉल्व करने के लिए, एक दो कम से कम दो तरीका आपको बता देंगे अभी हम। फर्स्ट का सॉल्यूशन है, क्वेश्चन क्या है, 196 × 16 ये अंडर रूट में। अब 196 का या और 16 को क्या कीजिए, दोनों को अलग कर सकते हैं आप इधर भी जा सकते हैं, हम अपनी सुविधा के अनुसार नहीं जा रहे हैं। 196 × √16 दोनों को अलग अलग कर दिए। अब क्या होगा, 196 का वर्गमूल निकाल दीजिए, तो एक आया, दो आया, 96 उतरा, तीन लगा, तीन नहीं लगेगा, चार, चार से करते हैं आ गया। ये 196 क्या है, किसका है, 14 × 14 इसको कर दीजिए, और ये 16 जो है 4 × 4 है, इससे पेयर पेयर, इसे निकला 14, इसे निकला 4, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आएगा आपका 56 आंसर। अब इसी चीज को एक और तरीके से बता देते हैं। वो क्या है, आप सेपरेट जो किए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर करके भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो फिर डायरेक्ट, अथवा इसी का सॉल्व है। क्वेश्चन क्या है, 196 × 16 डायरेक्ट सॉल्व कीजिए, 196 का बैक उधर निकालिए वर्गमूल, तो आएगा 14, यानी क्या 14 × 14, 196 का 16, 4 × 4, अब इससे पेयर, इससे पेयर, तो निकला 14 और इससे निकला 4, मल्टीप्लाई कर दीजिए आ गया 56। तो कई तरीके हैं, सिर्फ आपको समझना है कि हमें कौन सी तरीके से सॉल्व किया कर सकते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। अब अगर आप जिसे मान लीजिए, अगर आपको वर्गमूल याद है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको कोई जरूरी नहीं होता माथामारी करना। लेकिन नहीं याद है तो फिर आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। 441 और 121 है, तो 441 को अगर आप वर्गमूल निकालिएगा तो आएगा 21 आता है, निकाल के फिर से दिखा देते हैं। आएगा 2 × 4 हुआ 41, ये आया 21 × 21, और यहाँ 121 है, ये 11 × 11 हो जाएगा। इन दोनों को कॉमन लिख दीजिए, 21 आया, इससे 11 आया, और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आएगा 2, 2, 1, चेक कर लेते हैं एक बार, मल्टीप्लाई 1 × 1 हो गया, 2 हुआ, 1 हुआ, 3 होगा, या 2, 3, 1। तो 21 और 11 का गुना करेंगे तो 231 है। थोड़ी सी सावधानी रखिएगा, इजी है, आप बना सकते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए अब
क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या बोलता है, यहां पे गुना था, यहां भाग की स्थिति में, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 169 डिवाइडेड बाय 81, ये 8100। अगर इसको भी चाहे तो आप अलग अलग कर सकते हैं। कैसे अलग कर सकते हैं, देखिए इसको लिख दीजिए 169 डिवाइड अंडर रूट 8100, इसको भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 169 का किसका होता है, तो 13 का होता है, सेव कर लीजिए। 13 को 13 से गुणा कीजिए, 169 13 का होगा, आप निकाल के चेक कर सकते हो। बस यह आएगा 13 × 13 अंडर रूट में डिवाइड 8100 है तो 90 × 90 फिर लगेगा, तो अगर 13 डिवाइडेड बाय 90। अब इसको बटा में कर दीजिए तो 13/90 आएगा आंसर। अगर 3 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया तो 4 भी आपसे समझ में आ जाएगा, मुझे उम्मीद है कि आप 4 बना लीजिएगा। चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5 नंबर में जो है मिक्स फ्रैक्शन में इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं उसके बाद चेंज करेंगे। ये हमारा 5 का हल है, तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए इसको इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हो जाएगा 9545। अब 45 में 48 के तो 49/9 लीजिए, इन दोनों के जैसे आ गया। चलिए इसको सॉल्व ही कर देते हैं। अब हमारा उस प्रोसेस से जैसे भी बताया गया उस प्रोसेस से सॉल्व कर लीजिए। 49 किसका होता है, 7 × 7 का होता है, यहाँ होता है 3 × 3, इससे लिखने का 7, उससे लिखने का 3, आप लिख सकते हैं 7/3। अब इसी को अगर चाहे तो डायरेक्ट आप यहाँ क्या कर सकते हैं, 49/7 है, 49 को उधर जाइए लिखिए 7 × 7 आएगा, वर्गमूल निकालने पर 9 क्या आएगा 3 × 3, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 7/3 आंसर। ये दो तरीके हैं, आप दो तरीके में से कोई भी तरीका आप सॉल्व करके इसको जो समझ में आता है उससे बना लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे मेरे द्वारा बताए हुए हर एक ट्रिक तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।